अगली खबर आ रही है गया से, जहां डेल्हा थाना क्षेत्र के धनिया बगीचा एकता कॉलोनी निवासी एक मांझी परिवार के चिराग सूरज कुमार मांझी को बीते माह अपराधियों ने आपसी रंजिश को लेकर गोली मार दी थी। इलाज के क्रम पटना अस्पताल में मौत हो गई थी, जिसके बाद डेल्हा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, लेकिन वर्तमान थाना प्रभारी के द्वारा कार्यवाही करने की वजह लापरवाही बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि मृतक के छोटे भाई करण कुमार मांझी को बीते दिन थाना में बंद भी कर दिया गया था और केस मैनेज करने के लिए थाना अध्यक्ष के द्वारा दबाव एवं धमकी भी दी जा रही थी। प्राथमिकी दर्ज करने के वक्त भी कई संगीन धाराएं लगाने में भी कोताही बरती गई थी। तो हम लोग के कोई कुछ नहीं, कमाने वाला नहीं है, और हम जाते हैं थाना में भी जाते हैं तो हम लोग को भगा दिया जाता है। घर पर भी आके बड़ा बाबू जैसे तैसे बोल देता है। कौन लोग मारा है? मारा है चंदन कुमार राजा। कार्रवाई हुआ? कुछ नहीं कार्रवाई हुआ सर, उसको थाने पर घर है, अभी कोई प्रशासन नहीं जाता, वो लोग हम लोग के पास आ जाता, और हम लोग के घर में कोई आदमी नहीं रहा, सास बहू है, हम लोग दवाई ववाई के लिए निकलते हैं तो बोलता है कि इधर क्या करने आते हैं, तो हमको पति मर गया तो हम नहीं निकले, तो आप बताइए कि हम लोग भी मर जाए सर, हम लोग के घूमने नहीं देते हैं, लेडीज है तो घर नहीं। तो अभी आप लोग कहाँ आए हुए हैं? एसपी मैडम के पास आए हुए हैं बेदन लेकर कि कुछ भी अथी करें, मेरा हेल्प करें, मदद करें। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जी? हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, हम क्या करेंगे लेडीज जात दो को, हम लोग का गाली घूमने नहीं देता, वो लोग हर आदमी है इसलिए उसको लगे कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जो हम नहीं जान रहे हैं, हमको चाहिए इंसाफ चाहिए। अभी 2 महीना हो गया कुछ नहीं हो रहा। पर्चे दीजिए। मेरा 3 बच्चा है और मैं छोटा छोटा बच्चा के लेकर इधर उधर भटक रहा हूँ, कोई आपत्ति नहीं हो रहा। हम चाह रहे हैं कि मैडम से ही प्रार्थना है कि मैं चंदू के गिरफ्तारी चाहते हैं, मेरा कुछ हत्या चाहते हैं। सूरज कुमार को हत्या कर दिया? कौन लोग कर दिए? चंदन कुमार रुखराज और चंदू। किस लिए हत्या कर दिया? मेरे बेटे को बुला के ले गया घर से और ले जाके मेरे बेटे को मार दिया। अभी तक क्या पहले से दुश्मनी चल रहा था क्या? हाँ पहले से दुश्मनी चल रहा था। थाना में आवेदन दिए थे? दिए थे आवेदन। तो क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ है, फरार हो गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं, उसको अभी तक कुछ एक थो प्रशासन उसको पास नहीं दिया है। थाना प्रभारी को नहीं बोलते हैं आप? बोलते हैं और हम ही लोग पर दबाव दे रहा है। क्या बोलता है? आके मेरा बेटा के और हमको मारने पीटने लगा, मेरा बेटा के घींच के ले चल गया। कब? 29 तारीख को। कौन लोग मार रहे थे? भवन बैठा थाना प्रभारी। हाँ। किस लिए? तुम जाती हो आवेदन देती हो और तुम ऐसी हो ऐसी हो, मैंने बोलने रखी, चलती हो रात के रास्ता में, बोले कि हम दवा बीरो लावे नहीं जाएंगे, हमको तबीयत खराब रहता है, जब से हमको बेटा थी हुआ तब से हमको तबीयत दवा पर चलती है। अच्छा। मेरा बेटा के घिचले लेके चल गया थाना में, तो मैडम के पास गए तो मैडम फोन किए, तब छोड़े भोरे होके मेरे बेटा को, मेरे बेटा को भी मार पीट किया। अभी क्या ना शंकर प्रसाद जो थाने में झाड़ उड़ी लगाता है उसी थाने में, लेकिन उसको कुछ नहीं कर रहा है, नहीं उसको घर पर एक दिन भी प्रशासन दिया है। अभी आप कहाँ आए हुए हैं? मैडम के पास आए हैं। एसपी मैडम क्या लेकर? आवेदन लेकर आए मैडम के पास कार्रवाई के लिए। कार्रवाई के लिए।